यूनिट 3 हमें स्टार्ट करनी है। अगर यूनिट 2 में कोई टॉपिक रह गया है तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो यूनिट 3 से हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, यूनिट 3 भी आपकी एयर पोल्यूशन के बारे में है उसमें। तो यूनिट 3 में फर्स्ट टॉपिक है आपका एम्बियंट एयर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। एम्बियंट एयर होती है आपकी आउटडोर एयर, घर से बाहर। और ये माना जाता है कि लगभग 24 आवर और 7 डेज बहुत सारे लोग बाहर ही रहते हैं, यानी बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक हमारे आउटडोर में ही रहती है। उससे ज़्यादा वक्त जो होती है आउटडोर में ही बिताती है। तो उस आउटडोर एयर की क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फर्स्ट टॉपिक आपका ये है। तो कैसे बताएंगे हम कि आउटडोर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? तो हमें ये बताना है केवल कि जो पॉल्यूटेंट हैं, जो हमारी एयर में पॉल्यूटेंट हैं, उनका कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए एयर में, ठीक है? अब उसकी जो सैम्पलिंग होती है वो साल में भी हो सकती है, डे वाइज भी हो सकती है, 8 घंटे में भी हो सकती है। डिपेंड अपॉन लोकेशन, डिपेंड अपॉन पॉल्यूटेंट, डिपेंड अपॉन पॉल्यूटेंट कितना हार्मफुल है हेल्थ के लिए। तो उस पे डिपेंड करता है कि हमें सैम्पलिंग कब कब लेनी है, ठीक है? तो टॉपिक है आपका एम्बियंट। एम्बियंट मतलब होता है आउटडोर एयर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, ठीक है? आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जो PDF मिलेगी, आपको ये ध्यान रखना है पढ़ने से पहले कि वो इंडिया की होनी चाहिए। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? दूसरी कंट्री में कुछ और हो सकती है। तो इंडिया में एम्बियंट एयर की क्वालिटी और स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। होता थोड़ा सेम से ही है, पोल्यूटेंट यही है हमारे, कंसंट्रेशन डिपेंड हो सकता है अलग हो, सैम्पलिंग करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है? तो जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, इसको एक नाम भी देते हैं हम, नाक्स, NAAQS लिख देता हूँ यहाँ पे, NAAQS, एंड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है? इसके नाम से आपको PDF भी मिल जाएगी, इसमें पूरी डिटेल होगी गूगल पर अगर आप सर्च करोगे। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं कि एयर के क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए आउटडोर के, ये काफ़ी टाइम से है ना, जैसे आपका IS कोड रिवाइज होते रहते हैं ना, वैसे ही ये रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है? तो 2009 से पहले, before 2009, हमने कंट्री को ना कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। ऐसा नहीं है कि जो हम स्टैंडर्ड एयर का हम बता रहे हैं वो सिटी के लिए भी सेम होगा, गाँव के लिए भी सेम होगा, नहीं, पेड़ों के लिए भी सेम होगा, जानवरों के लिए नहीं, सबके लिए अलग अलग होता है। तो कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं कि भाई सिटीज़ के लिए ये कैटेगरी होगी, मतलब इतना पोल्यूटेंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके लिए इतना होना चाहिए। तो इस तरह की कैटेगरी डिवाइड कर दी थी 2009 से पहले। बट आफ्टर 2009 केवल 2 कैटेगरी बची है। यहाँ पे आप भी देख भी सकते हो, 2 कैटेगरी यहाँ पे मैंने टेबल में, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरिया, एक कैटेगरी ये हो गई, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया एक ही हो गई, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 2 कैटेगरी आफ्टर 2009 केवल 2, उससे पहले 3 कैटेगरी थी, उससे पहले 4 कैटेगरी थी, लेकिन 2009 के बाद, नवंबर 2009 के बाद केवल 2 कैटेगरी हमारे पास हैं, इंडस्ट्रियल रेजिडेंट, ये जो लिखा हुआ है, रेजिडेंशियल रूरल एंड अदर एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव। दोबारा मैं बता दूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, आउटडोर एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हम पढ़ रहे हैं कि पोल्यूटेंट की मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए। और 2 हमारे पास लोकेशंस हैं, एक इंडस्ट्रियल रेजिडुअल रूलर है, एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, ठीक है? जहाँ पे जानवर, पेड़ पौधे, खेती ये सब होती है, ठीक है? ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं परमिसिबल वैल्यू की, बात करेंगे कि क्या परमिसिबल वैल्यू है पोलूटेंट्स की, ठीक है? उन्हें कब कब हम उनकी सैम्पलिंग लेते हैं, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कौन कौन से मेथड से हम उनकी सैम्पलिंग लेते हैं, जांच करते हैं। हमें अब मैं किसी भी एक पोलूटेंट का नाम लूंगा और हमें ये भी बता दूंगा कि वो कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में, प्लस हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से मेथड से हम पता करते हैं कि कितना है। तो इस टेबल में सारा ये है, और वो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका उस टेबल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर फर्स्ट टॉपिक के बारे में कुछ भी आता है तो ये टेबल ही आपको याद करनी है, इसी को बारे में आपको लिखना है। तो इस टेबल में ये 2009 के बाद का डाटा, पोल्यूटेंट्स के नाम है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में टाइम वेटेज एवरेज है ना, मतलब जो कंसंट्रेशन है कितनी होनी चाहिए एनुअली और 24 आवर। मैंने आपको बताया कि एनुअली 24 आवर, 8 आवर, 1 डे, 1 वीक, कुछ भी हो,
वो डिपेंड करता है आपका पोलूटेंट के ऊपर, ठीक है। ये हो गया सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम में कैटेगरी फर्स्ट है, फोर्थ कॉलम में कैटेगरी सेकंड है, फिफ्थ कॉलम में मेथड ऑफ मेजरमेंट, उस पोलूटेंट को मेजर कैसे करते हैं वो मेथड्स हैं। तो सबसे पहला है आपका SO2। कोई मुझे बताएगा SO2 क्या होता है इसका नाम? हेलो, किसी को सल्फर आवाज है? डाई ऑक्साइड हाँ, सर, सल्फर। सल्फर कोई कोई डाई मैंने ऑक्साइड एक सर। स्टूडेंट से पूछा था, उसने कहा सोडियम, सोडियम नहीं होता, सोडियम NaSO होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है, टॉक्सिक गैस है ये एक, ठीक है। और इसको जो मेजरमेंट करने की यूनिट है वो है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इससे कोई डाउट नहीं है। इसमें SO2 यानी कि टॉक्सिक गैस, एक पॉल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको मेजर करने की यूनिट है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये जो गैस है ये हेल्थ के लिए तो हार्मफुल होती है, और ये नेचुरली कहाँ पाई जाती है? वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती है वहाँ पे ये गैस निकलती है। साथ में कॉपर को हम जब जमीन से निकालते हैं वहाँ पर इसका प्रोड्यूस होती है गैस, और जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तब भी ये गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और हेल्थ के लिए हार्मफुल है ये। तो ठीक है, फर्स्ट पोलूटेंट हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यूनिट हो गई मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। सेकंड कॉलम में आते कह रहे हैं कि एनुअली और 24 आवर्स में कंसंट्रेशन लोकेशन फर्स्ट, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी टू में कितनी होनी चाहिए। तो 50 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए एनुअली, और 24 आवर्स में 80 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एयर क्वालिटी आपको अगर सही रखनी है आउटडोर की, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि एनुअली कम है और डे वाइज कम है, क्योंकि ये है ना थोड़ी ऐसा नहीं है कि SO2 अगर रिलीज हुई है इन्वायरमेंट में आ गई है तो वो उतने ही रहेगी, ठीक है। वो रिड्यूस भी हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर हैं, कुछ चीज़ें वो किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन करके कुछ और बन जाती है, तो रिड्यूस भी हो जाती है। लेकिन लास्ट में जो रहती है वो कंसंट्रेशन 50 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब के एरिया में आपका 50 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअली, और 24 घंटे में 80 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहाँ, कौन से एरिया में? इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरिया। अगर हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, तो वहाँ पर 20 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब एनुअली और 24 आवर्स में 80 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजन भरा नहीं है इसमें। इसको मेजरमेंट SO2 इन्वायरमेंट में कितना है, इसको मेजरमेंट करने के लिए दो मेथड है हमारे पास, इम्प्रूव्ड वेस्ट एंड गेक अल्ट्रावायलेट फ्लोरेसिन मेथड। हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। इन मेथड को डिटेल में अगर पढ़ना है तो मैं आपको भेज दूंगा, डिटेल में की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस किस टाइप के मेथड हैं। जो फर्स्ट मेथड है आपका इम्प्रूव्ड वेस्ट एंड गेक मेथड, ये कुछ इस तरह का मेथड होता है कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है उसको वो अगर हम क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसी पोटेशियम या सोडियम टेट्राक्लोरोमेरेट के एक केमिकल है उसके जरिए से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एनवायरनमेंट में से, फिर उसको क्या कहते हैं उसके अंदर फिर दूसरा केमिकल लाइक पी रेसोलाइन ऐड किया जाता है, तो उसका कलर चेंज होता है। बस अभी मत समझो कि मैंने क्या केमिकल, अभी ध्यान से बस थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि एक केमिकल है जो इन्वायरमेंट में से सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसमें जब दूसरा केमिकल मिलाया जाता है तो उसका कलर चेंज होता है, और अमाउंट ऑफ कलर चेंज या इंटेंसिटी ऑफ कलर चेंज से हम पता लगा लेते हैं कि SO2 की अमाउंट क्या है, ठीक है। हल्का सा ब्रीफ में ये है इसका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट मेथड में हम, मतलब अब ये है तो इसके लिए लैब चाहिए होगी, लैब चाहिए होगी, एक स्किल बंदा चाहिए होगा जो केमिकल पे काम करता हो, तब ही उस मेथड से हम SO2 का पता कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट यानी कि कुछ रेज, कुछ लाइट की बात हो रही है, तो क्या होता है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है अल्ट्रावायलेट। ज़्यादा क्यों होने वाला है कि इसके लिए लैब की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है, चीप भी होता है, सस्ता भी होता है, मोस्टली यूज होता है। क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ना वो SO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है इन्वायरमेंट में से, ठीक है,
और फिर वापस लाइट इमिट करती है डिफरेंट वेवलेंथ की, यानी कि वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो होती है, मान लो अल्ट्रावॉयलेट की कोई वेवलेंथ है एक्स, और उसने एटमॉस्फेयर से SO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट बनी, उस लाइट की वेवलेंथ है अलग। तो इस वेवलेंथ के डिफरेंस से हम पता कर सकते हैं कि SO2 की अमाउंट क्या है। तो सिंपल सा है कि हमने पोलूटेंट का नाम बताया, उसका टाइम वेटेज एवरेज बताया, लोकेशन 1, वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और उसके कौन से मेथड है उसको मेजरमेंट करने के। ठीक है, सेकेंड पोलूटेंट है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक हार्मफुल गैस है। रोड का जो ट्रैफिक है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस वहाँ होती है। अब रोड के ट्रैफिक से प्रोड्यूस नहीं होती, ट्रैफिक है तो वहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है, वहाँ से आपका ऑयल बर्न हो रहा है तो उसकी वजह से NO2 प्रोड्यूस हो रही है। फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो वहाँ से वो प्रोड्यूस होती है, हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो इस गैस का जो एनुअली कंसंट्रेशन है फर्स्ट कैटेगरी में 40 है, सेकेंड कैटेगरी में 30 है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, यूनिट भी सेम है, 24 आवर में 80 है दोनों कैटेगरी में। और इसके जो मेथड है वो है मॉडिफाइड जैकब हॉचियर हॉचियर मेथड एंड केमिकल इल्यूमिनेस मेथड। अब देखो इन दोनों मेथड में, फर्स्ट मेथड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है Na, ठीक है, सोडियम Na9, यानी कि टॉक्सिक गैस है, ये एक टॉक्सिक गैस है। यानी कि फर्स्ट मेथड में NO2 को मेजर करने के लिए एक टॉक्सिक गैस का यूज कर रहे हैं हम, इसीलिए फर्स्ट मेथड इतना प्रीफर नहीं किया था, यानी कि एक टॉक्सिक गैस को मेजर करने के लिए दूसरी टॉक्सिक गैस यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकेंड मेथड में क्या है, आपके नाम से आप केमिकल इल्यूमिनस, यानी कि कुछ लाइट के बारे में बात हो रही है। तो क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन NO2 करता है एक दूसरे केमिकल के साथ तो कुछ लाइट प्रोड्यूस होती है, उस लाइट की अमाउंट से ही पता करते हैं कि NO2 कितना अमाउंट में है। तो कुछ इस तरह से ये दोनों मेथड होते हैं, डिटेल में बाद में देखेंगे, ज़रूरत होगी अगर आता है एग्ज़ाम में तो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करनी होगी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके कि टॉपिक कहाँ से क्या आ सकता है। अभी फर्स्ट टॉपिक जो यूनिट 3rd का है वो केवल ये है कि स्टैंडर्ड बताने हैं। अब स्टैंडर्ड में एक एक मेथड को बताना है, क्योंकि एक एक मेथड बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे मेथड हैं या नहीं है वो क्वेश्चन पेपर देख के मैं फिर डिसाइड करूंगा। फिर आता है आपका PM10। अब मेरे को कोई बताएगा PM10 क्या होता है, किसी को पता हो अगर तो? पार्टिकुलेट मैटर हाँ, यानी पार्टिकल्स की बात हो रही है, ठीक है, पार्टिकल जिसका डायमीटर कितना है, 10 मिलीग्राम, 10 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर। एक पार्टिकल्स हैं जो 10 माइक्रोमीटर डायमीटर है और जिसकी यूनिट है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। अब एनुअली जो इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए फर्स्ट कैटेगरी में वो 60 है, सेकंड कैटेगरी में भी 60 है, और 24 आवर्स में 100 100 है। इसके जो मेथड्स हैं वो कौन से मेथड्स हैं, एक है आपका ग्रेविमेट्रिक, एक है TOEM, एक है बेटा एटेन्यूएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो तो कोई बात नहीं। फर्स्ट मेथड जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा मतलब 100% यही मेथड यूज़ होता है। आप यस अभी सर, क्या हुआ यस सर, ना, इंटरनेट चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं क्लास लेता गया। तो आप लोग कहाँ तक बता दिया था मैंने आप लोगों को, PM10 तक ना? यस सर, ठीक है ठीक है, मैंने आगे भी बता दिया बिना देखे, अब इंटरनेट आया। ठीक है, PM10 PM2.5 केवल डायमीटर का डिफरेंस है और मेथड हमारे सेम है दोनों में। ठीक है, और इसमें कंसंट्रेशन भी थोड़ी सी अलग है, 60 है इसमें, इसमें 40 है, इसमें 60, 40, 60, 100 100 100। तो ये दो आपके पोलूटेंटेड जो पार्टिकल्स हैं जिनका टू स्क्रीन पॉइंट फाइव है। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, नो सर, नो ठीक है सर, यस अब दिख गई। ठीक सर, है, तो PM10 और PM25 पर ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं, ये गैस नहीं है और इनका कुछ डायामीटर है, तो इनके जितने भी मेथड्स होंगे ना वो सारे डिपेंड करते होंगे मास। ठीक है, मास को मेजरमेंट करके ही पता करते हैं कि कितना आपका एनवायरनमेंट में पर मीटर क्यूब में कितना मिलीग्राम आपका ये पार्टिकल्स हैं।
तीसरा है O3, O3 होता है ट्राई ऑक्सीजन या फिर इसे ओजोन भी बोल सकते हैं। इसकी जो आपका वेटेज है टाइम वो अलग है थोड़ा, 8 आवर्स और 1 आवर्स का है, और कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब और 1 आवर के लिए 180 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। तीन मेथड है इसके लिए भी, यूवी, केमिकल इल्यूमिनेंस और केमिकल मेथड। थोड़ा नाम से हमें पता करना पड़ेगा। जो फर्स्ट मेथड है अल्ट्रावायलेट का लाइट की हेल्प से, सेकंड मेथड भी लाइट की हेल्प से, थर्ड मेथड केमिकल मेथड से है। एक क्वेश्चन देखो ये आता है कि जो ये जो मेथड्स हैं पोल्यूटेंट को मेजर करने के, इन मेथड्स में होता क्या है? एक सेकंड रुको, ठीक है, होता क्या है जो मेथड्स हैं पोल्यूटेंट को मेजर करने की, दो टाइप के आ रहे हैं इन सारे मेथड में, दो टाइप के आ रहे हैं। एक तो एक ऐसा मेथड है जिसके लिए बड़ी सी मशीन चाहिए, केमिकल चाहिए, लैब चाहिए। दूसरे मेथड ऐसे हैं जिनके लिए छोटी मोटी लैब चाहिए और ऑनलाइन डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई लाइट से है, अल्ट्रावायलेट लाइट वाले हैं, ठीक है, और कोई जैसे बेटा एनोटेशन है, केमिकल इल्यूमिनेंस है, ठीक है, और कुछ है केमिकल बेस पे जिनमें हमें केमिकल चाहिए, फिर उसको मिलाना है, फिर ट्यूब्स चाहिए, एक लैब चाहिए, उस मशीनें चाहिए। तो दो कैटेगरी के मेथड्स आ रहे हैं पोल्यूटेंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो एक डाटा, दो टाइप का डाटा और सैम्पलिंग कलेक्ट की जाती है इन पोल्यूटेंट के लिए। एक तो होता है मैनुअली जिसके लिए लैब चाहिए, एक होता है ऑनलाइन डाटा या इंस्ट्रूमेंट कहीं सेट कर दिया और फिर ऑनलाइन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों मेथड में ही, इन दोनों कैटेगरी में ये मेथड्स डिवाइड हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो O3 में भी तीन मेथड हैं O3 को मेजरमेंट करने के। उसके बाद आता है लेड, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है इसका भी, एनुअली 0.50 है फर्स्ट कैटेगरी में, 24 आवर में 1 है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, और सेकंड कैटेगरी में 0.50 और थर्ड सेकंड कैटेगरी के 24 आवर्स में। फिर लाइट चली गई थी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहुंचा था कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, 8 आवर्स के लिए 2 है इसका दोनों कैटेगरी में, 1 आवर के लिए 4 है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। इसका जो मेथड है नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड, देखो यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिखे। अरे यार ये नेट जाते ही स्क्रीन भी यहाँ से हट जाती है, ठीक है। लेड की बात हो चुकी थी, CO की बात हो रही है अब कार्बन मोनोऑक्साइड, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है इसका, 8 आवर्स में 2 है फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी में 2 है, 1 आवर में 4 है, 4 है, 4 का मतलब या 2 का मतलब ये नंबर है, मिलीग्राम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना कंसंट्रेशन इस गैस का होना चाहिए आपको। बस जब भी आप मेथड देखो ना कि CO का मेजरमेंट का मेथड है नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड, आपको देखना इंफ्रारेड यानी कि यहाँ पे कुछ ऑनलाइन डाटा कलेक्ट किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता, अभी बस मान के चलो इंफ्रारेड है, लाइट की बात है तो शायद इससे हो सकता है। नेक्स्ट टेंट है अमोनिया NH3, इसकी भी यूनिट सेम है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट थोड़ी अलग है, क्या कहते हैं CO की, मैं मिलीग्राम, CO की तो ठीक है मिलीग्राम है, पर अमोनिया और सबकी माइक्रोग्राम है, ठीक है। NH3 एनुअली 100 कंसंट्रेशन है इसकी दोनों कैटेगरी में, 24 आवर में 400 कैटेगरी है, 400 कंसंट्रेशन है। फर्स्ट मेथड केमिकल इल्यूमिनेंस है, ये कई जगह मेथड यूज हुआ है, यानी कि इससे और भी पोल्यूटेंट को मेजर कर सकते हैं। इंडोफिनोल ब्लू मेथड है सेकंड मेथड इसको मेजर करने के लिए। फिर है आपका बेंजीन, माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम मीटर क्यूब इसकी यूनिट है, एनुअली केवल इसको देखा जाता है, कंसंट्रेशन 5 होनी चाहिए दोनों कैटेगरी में, और इसका जो मेथड है गैस क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द कंटीन्यूअस एनालाइजर एब्जॉर्प्शन एंड डिस्पर्जन फॉलो बाय GC एनालिसिस। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है इंडिया का जिसमें इन सारे मेथड्स को कैसे किया जाता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है सारा, मतलब अभी तो एक टेबल है उसमें भी ये टेबल मिल जाएगी आपको। उस टेबल के बाद एक एक पोल्यूटेंट का कैसे मेजर किया जाता है, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है वो सब है, ठीक है। उससे उसको पढ़ने से पहले हमें ये एनालाइज करना होगा कि क्या ये मेथड्स आते हैं नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूंगा आपको एनालाइज करके, उसके बाद हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे। उसके बाद है बेंजोप्रीन, BAP पर्टिकुलेट फेस, ये नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में इसकी यूनिट है, एनुअली इसको 1 और दोनों कैटेगरी में 1-1 है, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय HPLC GC एनालिसिस, ये इसका मेथड है। एक ही मेथड है तो यही मेथड अप्लाई होता होगा।
आपके दो पोल्यूटेंट रह गए, आर्सेनिक जिसकी यूनिट भी है नैनोग्राम मीटर क्यूब एनुअली सिक्स कंसंट्रेशन दोनों कैटेगरी में, फिर है निकिल इसकी भी यूनिट यही है एनआई नैनोग्राम पर मीटर क्यूब एनुअली 20 कंसंट्रेशन दोनों कैटेगरी के लिए, दोनों के मेथड भी सेम है AASICP मेथड आफ्टर सैम्पलिंग ऑन EMP 2000 और इक्विवेलेंट फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर दोनों में यूज हो रहा है ठीक है। तो ये है आपका एम्बिएंट एयर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट एज ए ऑफ 2019 ठीक है। ये है आपका सिलेबस जिसमें आपका थर्ड यूनिट में फर्स्ट इसी की बात हो रही है हमारी कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके बाद हो रही है हमारे एयर सैंपलिंग एंड मेजरमेंट। अब ये जो हमारा पोल्यूटेंट है जितने भी पोल्यूटेंट है उनका सैंपल हम लेंगे कैसे और उस सैंपल को कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट मेथड तो बता दिए हैं तो इसका मतलब हमें मेथड्स को भी पढ़ना होगा। इतने ज़्यादा मेथड नहीं है, आप देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं ठीक है, और कुछ मेथड में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत छोटे छोटे मेथड होते हैं, तो यानी कि हमें मेथड भी पढ़ने हैं ठीक है। कि एयर की सैंपलिंग SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की सैंपलिंग कैसे लेते हैं, लेने के बाद उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट यूजिंग ग्रेविटेशनल मेथड सेटिंग चैम्पर, वही है आपका जो PM है उसको कैसे हम इस वाले मेथड से हम करेंगे, साइक्लोन सेपरेटर कैसे करेंगे, वेट कलेक्टर मेथड्स हैं और आपकी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो फर्स्ट टॉपिक आपका हो चुका है, किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ को लेकर तो वह पूछ सकता है ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा मिनी प्रोजेक्ट के बारे में, जो मिनी प्रोजेक्ट है अब आपका जो स्टैट प्रो पे मिनी प्रोजेक्ट है वो उमर सर लेंगे ठीक है, और ये मिनी प्रोजेक्ट एक महीने चलता है, आपके पास फिर दूसरा मिनी प्रोजेक्ट आ जाएगा, तो एक महीने में सितंबर में आपको रिपोर्ट सब बनानी होगी ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना काम करना, और आपका कोई और डाउट है तो मेरे को बताओ। 23 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आउट ऑफ 35 अप्रोक्सीमेट, प्रेजेंट सर क्या मैंने पूछा है, प्रेजेंट सर हैं बलवीर है क्या, बलवीर इसमें दिखा रहा है बलवीर का, हेलो हाँ हेलो कौन बलवीर है, नहीं सर ये क्या आप बोले मतलब सितंबर के लास्ट में सबमिट करना उसका रिपोर्ट, सितंबर तक कर लेना है मतलब है तो टाइम आपके पास पूरा सेमेस्टर, लेकिन जो क्लासेस होंगी जो डाउट जो क्लासेस होंगी जो सर बताएंगे कोई भी बताएगा वो पूरे एक सितंबर चलेगी, आपको बनाना तो आप 2 महीने बना लेना, लेकिन आप क्लास में कुछ डाउट पूछ सकते हो उसके लिए क्लास 1 महीना चलेगी उसकी, फिर दूसरे मिनी प्रोजेक्ट की चलने लगेगी ठीक है। बनाना तो पूरे सेमेस्टर नहीं है, कितने अभी आपके कितने चल रहे हैं, चार चल रहे हैं फिर ठीक है। ये अभी कोई आया है 24 हो गए ठीक है, ये ध्यान रखना अटेंडेंस उसी की लगेगी जिसका लेक्चर में टाइम ज़्यादा है, जो अटेंडेंस हम डाउनलोड करते हैं उसमें सब आ जाता है इन आउट कितना टाइम ये बच्चा कितना रहा है ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में या 10-15 मिनट जो लेक्चर में रहेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है अब मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बताओ वरना फिर क्लास को लीव करते हैं, और ये लेक्चर आप देख सकते हो अपने ओलंपस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, और उसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो भी मेरे को बता सकते हैं, मैं ही उसको देख रहा हूँ, किसी का शो ना कर रहा हो कुछ भी ना वाम तो बता देना मेरे को ओलंपस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ठीक है, मैं क्लास को लीव कर रहा हूँ। ओके सर।
ओके सर। बिलो भाई अंकुश बिलो भाई बिलो है क्या बिलो भाई बिलो भाई बिलो भाई अंकुश ब्रो अंकुश ब्रो